हेलो फ्रेंड्स, जब हम पहली बार के 2.1.5 वाला कोई भी क्वाडकॉप्टर जो बनाते हैं, हम पहले ही स्टार्टिंग में जब बनाते हैं तो वो सही से टेक ऑफ नहीं हो पाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है टेक ऑफ के वक्त, या तो ये कोई भी दिशा की ओर मुड़ जाता है, जैसे कि अभी राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, आगे पीछे। तो ऐसा ना हो और वो सही से ही ऊपर आ सके, इसकी अब आज हम सेटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं दे रहा हूँ उसे पावर, तो जैसे ही मैंने पावर दिया ये ऑन हो चुका है। तो हम जाएंगे मेन्यू में, मेन्यू में जाकर हमें देखना है रिसीवर टेस्ट। तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये अभी इस रिमोट से कनेक्ट किया गया है, तो आप देख पा रहे हो। तो इसकी ये एलिवेटर, एलेरॉन, और ये थ्रॉटल और रडार, ये सही से बीच में है। ये थ्रॉटल है तो ये पूरे का पूरा डाउन है, और ये एलेरॉन और ये एलिवेटर, ये भी बीच में ही है, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है, ये रडार दिखा रहा है 42, और जो ये एलेरॉन था जो देखिए -1 -2 दिखा रहा है, और कभी कभी ये 0 भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। तो जब हम जब भी इसे फ्लाई करें, स्टार्ट में फ्लाई करें टेक ऑफ करने के वक्त, तो उस टाइम हमें देख लेना है कि ये प्रॉपर 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। कि इससे क्या होता है कि ये अभी एलेरॉन है, एलेरॉन, तो एलेरॉन से क्या होता है कि ये ड्रोन है, ये पूरे का पूरा ऐसे, ये ड्रोन ऐसे, वो उसकी वैल्यू जिस तरह प्लस या माइनस होगी तो उस तरह से ये या तो यू मूव करेगा या तो यू मूव करेगा। और जो रडार है, रडार तो रडार का भी कोई वैल्यू 0 नहीं होगी और ज़्यादा या कम होगी। तो इससे क्या होगा कि ये भी यू एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज स्टार्टिंग से ही टेक ऑफ के वक्त से ही वो घूमने लगेगा, क्योंकि उसे वो वैल्यू दी गई है ट्रांसमीटर की तरफ से। तो सबसे पहले हमें उसको 0 करना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी वैल्यू को 0 करते हैं। तो देखिए हम अभी एलेरॉन की वैल्यू को 0 कर दिया है, और रडार की वैल्यू को भी मैं अभी 0 करा। ये देखो, ये मैंने स्टिक को मूव किया और ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ये ट्रांसमीटर के साथ गड़बड़ रहती है कि जैसे ही आप एक बार ट्रांसमीटर के स्टिक को घुमाएंगे तो वापस से कई बार ये 0 नहीं हो पाता है। इसीलिए आप जब भी टेक ऑफ करें उस टाइम देख ले कि वो 0 है क्या नहीं है, तो वो ड्रोन है वो स्टेबल टेक ऑफ करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अभी मैं इसे ऑन कर दिया है, अब हम देखते हैं कि ये कैसा फ्लाई कर रहा है, स्टेबल फ्लाई कर रहा है या मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।